डेविल एपिसोड 61 की स्टार्टिंग में यार हमें दिखाया जाता है मिस चेंग को जो इधर उधर देख रही होती है। वो कहती है यार ये गांव तो सच में कमाल का है। वोल्टन उसे देख रहा होता है। वोल्टन कहता है लगता है इसने पहली बार गांव देखा है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि इधर उधर भटक मत जाना, मेरे पीछे ही रहना। फिर मिस चेंग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। फिर वोल्टन कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा बीतरी। अच्छा ठीक है मेरे साथ। वोल्टन अपने मन में कहता है कि जब ल्यू फू ने इस और इस बॉडी के असली होस्ट को यानी इस असली ये वोल्टन को जब मरवा दिया था तो वो इस गांव में आ गया था, मतलब कि उसकी डेड बॉडी को इस गांव में गिरा दिया था। और तभी अचानक से मेरी नींद खुली थी, अचानक से मेरी आँख खुली थी, वो भी जंगल में। शुक्र है कि मेरी नींद इस बॉडी में खुली, मैं बच गया। उसके बाद मिस चेंग वोल्टन से एकदम उत्सुकता से एकदम इंटरेस्टिंग मूड में कहती है कि वोल्टन और तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ था, मुझे जानना है। तुम यहाँ कैसे आए थे, तुमने यहाँ क्या क्या किया था, किससे मुलाकात की थी, मुझे जानना है। उसके बाद वोल्टन उसे बताने लगता है। वो कहते हैं वैसे भी ये जगह, हाँ यार ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था लिवेंडर, मैं उससे मिला, उसके ग्रैंडपा से मिला। उसके बाद वोल्टन कहता है कि अरे हाँ मैं तुम्हें लीन के बारे में बताता हूँ, वो एक छोटी बच्ची है, वो भी एक हाई स्कूलर है, वो एक नंबर की बेवकूफ़ है, मैंने कई बार उसके साथ फ्लर्ट किया है। और ये सुनने के बाद मिस चेंग हंसने लगती है। वो कहती है क्या सच में तुमने एक छोटी बच्ची के साथ फ्लर्ट किया, मुझे तो सुन के हंसी आ रही है। फिर तभी पीछे से हुजी आता है। वो कहता है मास्टर फाइनली आप आ ही गए, मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हुजी वोल्टन को गले लगाने आ रहा होता है, पर वोल्टन उसके मुंह पर पैर रख के कहता है कि साले मुझसे दूर है, साले मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं किसी एक ज़रूरी काम से बात करूँ, प्लीज़ मुझे छूना भी मत साले, तू जब भी पास आता है तो साले तो लगभग मुझे मार ही डालता है। और मास्टर का लफ्ज सुनने के बाद मिस चेंग कहती है क्या मास्टर, क्या तुम इसके सच में मास्टर हो, पर तुम कब से इसके मास्टर बन गए। वोल्टन कहता है कि एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर तभी वहाँ पे लिवेंडर के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर वोल्टन फाइनली आप इतने सालों बाद आप इतने दिनों बाद आ ही गए। फिर तभी वोल्टन उनसे मिलता है। वो कहते हैं कि ओल्ड मैन लिन कैसे हो यार, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ, ये है मिस चेंग, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और ये मेरी एक खाने का औजार भी है, ये मुझे खाना खिलाती है हर दिन। और ये सुनने के बाद मिस चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वोल्टन के दोनों गाल पकड़ लेती है। वो कहती है क्या मैं तुम्हारा खाने का एक सिस्टम हूँ, यानी मैं तुम मुझे एक सिस्टम समझते हो, कल तक तो तुम मुझे अपनी रानी मानते थे, आज मैं सिर्फ एक खाने का सिस्टम हूँ, आखिरकार तुम अपना रुतबा बदल कैसे लेते हो। फिर वोल्टन कहते हैं अरे छोड़ो यार मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़, क्या तुम एक सज्जन नहीं हो क्या। फिर लिन के ग्रैंडपा लिन के बारे में पूछते हैं। वोल्टन से कहते हैं कि मिस्टर वोल्टन क्या मेरी पोती लिन नहीं है आपके साथ। फिर वोल्टन कहता है कि हाँ एक्चुअली वो क्या है कि वो स्कूल के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसने मुझे कहा था कि आप पहले चले जाइए मैं बाद में आ जाऊँगी, इसलिए वो नहीं आई। हाँ फिर वोल्टन कहता है कि मैं उसी के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपकी यहाँ मदद करने आया हूँ हर काम में, अब आप चिंता मत कीजिए मैं आपका सारा काम कर दूँगा, वैसे भी लुबस्टर को पकड़ना अब मेरा काम है, अब आप टेंशन मत लीजिए मैं उन्हें पकड़ लूँगा। फिर तभी लिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं पक्का कहता हूँ कि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होगी, मुझे वैसे माफ़ करना कि जब आप यहाँ थे तो वो आपके लिए एक परेशानी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना उसके लिए। उसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि इस बंदे को सच में उसकी परवाह है, सच में ये वोल्टन को मेरी पोती की परवाह है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा ली, अब ये मेरा काम है, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे, ये आपके एज के लिए सही नहीं है, आप समुद्र यात्रा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप आराम कीजिए। फिर लिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया ये वोल्टन पर, लेकिन ये मैं कर लूँगा, आपके पास कोई दूसरा आइडिया है। फिर वोल्टन कहते हैं क्या आइडिया, अरे आइडिया तो मेरे पास भर भर के है, मेरे पास तो उनकी पूरी एक दुकान है, मैं तो उन्हें 10 के भाव में भी बेचता हूँ, अब बस आप देखते जाइए, आप बस आम खाइए गुठलियाँ मत गिनिए। उसके बाद हमें एक जेसीपी यानी एक बुलडोजर को दिखाया जाता है जो एक गड्ढा खोद रहा होता है, वहीं पास में वोल्टन खड़ा होता है, ये एकदम एक स्विमिंग पूल की तरह लग रहा होता है। फिर वोल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो ये बनके तैयार हो चुका है, अब जल्द से जल्द इसके अंदर पानी भर दो, हमें बस जल्द से जल्द इसके अंदर पानी भरना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा मोटर चालू कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है कि उस गड्ढे में बहुत सारा पानी डल रहा होता है, और दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है पुल अब तैयार हो रहा है, अब आदमी धीरे धीरे इसके अंदर पूरा पानी भरने के बाद हमें आगे का काम करना है। और लिन के ग्रैंडपा वहाँ पीछे खड़े खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। अभी लिन के ग्रैंडपा अपने मन में कहते हैं कि सिर्फ एक दिन में हमने $40,000 से ज़्यादा कमा लिए, मैं आमतौर पर जब भी पूरे साल में मछलियाँ पकड़ता था तो भी इतनी नहीं कमा पाता था जितने में हमने सिर्फ एक दिन में कमा ली। उसके बाद हुजी वोल्टन के पास आता है, वो कहता है मास्टर ये काम करने वाले कर्मचारी मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं। फिर वोल्टन कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है सच में, तुम मुझे मास्टर कहते हो ना कि ठीक है अब तुम कह सकते हो, अब मैं तुम्हारे साथ बुरी तरीके से नहीं पहचाऊंगा, अब वैसे भी अब हमारा एक छोटा सा हम अपना गोल सेट कर लेते हैं, हमें इस साल के अंदर कम से कम $1,000,000 तो हमें कमाने ही होंगे। और वोल्टन हुजी की तारीफ कर रहा होता है, और $1,000,000 का नाम सुनते ही हुजी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, पर वो थोड़ा परेशान भी होता है। वो कहता है क्या $1,000,000 वो भी इस साल में, ये थोड़ा मुश्किल है, पर हुजी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ठीक है मास्टर हम अपना इस गोल को ज़रूर पूरा करेंगे।
फिर वोल्टन हंसता हुआ कहता है कि हाँ हम इस गोल को जरूर पूरा करेंगे। हुजी और वोल्टन दोनों गला फाड़ फाड़ के हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ हम ये जरूर करेंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा होता है जो वोल्टन की इस तरह की एक पिक ले रहा होता है हंसते हुए की। फिर वो अपने मन में कहती है कि मुझे लगता है, वो कहती है कि मैंने पहली बार वोल्टन को इतना खुश देखा है। ये सच में खुश है तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा कमाल का है। फिर मैं दिखाया जाता है जो फोटो ले रही होती है वो और कोई नहीं होती, वो मिस चैंग होती है। मिस चैंग कहती है कि लाजवाब, कसम से तुम अपने काम के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो और यही चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम अब जब से बदले हो तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो वोल्टन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।